वो डेप्थ ऑफ कंक्रीट और उसके रेशियो और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने दिन में कितना परसेंट अचीव होता है। ओके, M5 से लेके M50 तक यहाँ पर आपको, यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट और उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और कवर, यहाँ पर फुटिंग में, राफ में, कॉलम में कितने हम मिनिमम देते हैं 50 mm में। ओके, कवर और यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट डेंसिटी ऑफ मटेरियल। ओके, यहाँ पर इतना यहाँ पर कंटेंट है और यहाँ पर इस वीडियो को अंत तक देखना आपको ज़रूरी है। ओके, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट और उसके रेशियो। ओके, M5 के लिए क्या होता है, 1:5:10। ओके, यहाँ पर जो 1 होता है वो होता है सीमेंट। ओके, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। ओके, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। ओके, यहाँ पर सबका रेशियो वही होगा। ओके ओके, यहाँ पर जो कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, जो कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, और यहाँ पर ये कैसा आएगा, यम मीन्स मिक्स प्रोपोर्शन। ओके, मिक्स प्रोपोर्शन जो कि इन तीनों का मिक्स होगा वो प्रोपोर्शन होगा। ओके, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि 28 डे में, मैं यहाँ पर इसमें भी बताऊँगा 28 डे में क्या होता है। ओके, 28 डे की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 5 N/mm². ओके, ये होगी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। ओके, 7.5 की। ओके, मिक्स प्रोपोर्शन 7.5। ओके, 7.5 की क्या होगी, 1:1। ओके, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर कितना होगा, 4। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 8 होगा। ओके, सीमेंट सैंड एग्रीगेट। M10 के लिए क्या होगा, 1:1, यहाँ पर 1 से कम हो रहा है। ओके, 3 और यहाँ पर 6। ओके, इसी तरीके से, और ये जो रेशो है ये मैक्सिमम PCC के लिए यूज़ होता है। ओके, PCC मीन प्लेन सीमेंट कंक्रीट, और जो कि M20 हमारा मिनिमम यहाँ पर रीइंफोर्स कंक्रीट में यूज़ करते हैं हम। ओके, वो यहाँ से इसकी सीरीज चल होती है जो कि रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट। ओके, इट दैट क्लियर। ओके ओके, M15 के लिए जो कि होगा हमारा ग्रेड, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आएगा 2। ओके, यहाँ पर आपको याद करने के लिए भी आसानी होगी। यहाँ पर आपका यहाँ सीरीज चलोगी, यहाँ पर सीरीज के इसे आप याद कर सकते हो। ओके, M15 जो कि होगा 1:2:4। ओके, 1:2, ये यहाँ पर 7.5 N/mm², 10 जो कि यहाँ पर जो भी आएगा उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। ओके, N/mm², और 15 N/mm². ओके ओके, यहाँ पर आप हम आएंगे रेनफोर्ड सीमेंट कंक्रीट की रेशियो में। ओके, लाइन में। ओके, ये सीरीज़ है M20 से लेके M50 तक। ओके, और जो M5 से लेके M15 तक PCC के लिए यूज़ होता है, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, ये सीरीज़ है PCC, ये है RCC। ओके, M20 का जो कि होगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर हमारा जो कि है, यहाँ पर 1:2, यहाँ पर 1 भी आ सकता था, लेकिन M20 कुछ स्पेशल। ओके, यहाँ पर मैं स्पेशल इसको कहूँगा, क्योंकि 1:1.5। ओके, 1.5 यहाँ पर स्पेशल आएगा। ओके, 1:1.5:3। ओके, और M25 का क्या है, 1:1, जो कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन ये M20 का स्पेशल हो चुका है तो यहाँ पर 1:1:2। ओके, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 N/mm², 25 N/mm². ओके, M30 का जो कि ग्रेट आएगा। ओके, M25 तक आप जनरली आपको यह पता होगा, M30 M35 M40 M50 का मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके ओके, ये 1:1, यहाँ पर 1:1, और इन स्पेशल केस में 1:0.75:1। ओके, यहाँ पर यूज़ भी होता है 30 N/mm². ओके, M35 का जो होगा 1:0.50:0.75, आपको ये याद करना है या फिर आप नोट कर लीजिए इसको कहीं पे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, M40 का जो कि होगा 1:0.25:0.50। ओके, जो कि ये 40 N/mm। ओके, यहाँ पर हम 1:1, ओके फॉर एग्ज़ाम्पल M20 का मैं बताता हूँ। ओके, 1:1.5:3, तो यहाँ पर हम कैसा करेंगे। ओके, ये सीमेंट सैन एग्रीगेट इतना पता है आपको,
सीमेंट अगर हम एक बैग सीमेंट लेंगे तो 1 पॉइंट ओके 1.5 बैग हम सैंड का लेंगे और 3 बैग्स हम यहाँ पर जो कि होगा एग्रीगेट का। ओके ओके 1 3 ओके उसी तरीके से 1 अगर बैग हमने यहाँ पर सीमेंट का लिया है तो 4 बैग हम सैंड के और 8 बैग हम एग्रीगेट के। ओके यहाँ पर जो कि स्ट्रेंथ हमारी ये इसमें कम रहती है, इसमें जाती है। ओके अगर आप यहाँ पर कुछ देखेंगे तो सीमेंट का जो रेशियो है वो 1:1 कॉन्स्टेंट है। ओके सीमेंट यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा लेकिन सैंड और एग्रीगेट की रेशियो यहाँ पर चेंज हो रहा है। ओके M50 का जो कि है वो आपको गेस करना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है सीरियसली। ओके इसका तो यम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा पर, लेकिन यहाँ पर जनरली अगर आपको भी पता है तो मुझे सजेशन करें। ओके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव इन नंबर ऑफ डे, ओके कितना परसेंट, ओके ये नंबर ऑफ डे है 1 से 3 डे में हम यहाँ पर यूटीएम में टेस्ट करते हो। ओके यूटीएम में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ओके यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ करते हैं क्यूबिक बना के। ओके क्यूब बना के हम यूज़ करते हैं जो कि 150 मीटर mm, 150 mm और 150 mm का जो कि क्यूब होता है उसको यहाँ पर हम ये करते हैं। ओके 1 से लेकर 3 डे में यहाँ पर इसका जो कि अचीव होगा ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 15%, ओके 15% यहाँ पर इसका अचीव होगा। ओके और 7 से 40 में 40% अचीव होगा। ओके 40% मीन्स, ओके 40% मीन्स अगर मैं यहाँ पर M20 का ले रहा हूँ तो ये 20 जो कि मेरी है 28 डेज की, ओके 28 डे में यहाँ पर 100% आता है। ओके और यहाँ पर 60, ओके 40% मीन्स, ओके 7 से 14 डेज में इसकी वैल्यू आएगी 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसकी यहाँ पर इस स्ट्रेंथ अचीवमेंट होगी अगर M20 का ग्रेड हम यूज़ कर रहे हैं तो कंक्रीट में। अगर कंक्रीट में M20 का अगर ग्रेड यूज़ कर रहे तो 7 से 14 डे में यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी आनी चाहिए यूटीएम मशीन में, क्योंकि इस रेशियो से हम यहाँ पर इसका कंक्रीट का ब्लॉक बनेंगे तो 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर की यहाँ पर आएगी। ओके दैट क्लियर। कवर, कवर जो कि यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल अगर ये कॉलम है उसमें का जो कि यहाँ पर ये स्टील के बार का ये है, ओके यहाँ पर जो कि कंक्रीट आएगा इसको हम कवर कहते हैं। ओके कवर फुटिंग में 50 mm का कवर यूज़ होता है, फुटिंग में 50 mm का, राफ्ट में 75 mm, इसमें कॉलम में 40 mm और बीम में 25 से लेकर 30 mm, स्टेयर केस ओके स्लैब में 20 से लेकर 25 mm एंड स्टेयर में 25 से लेकर 30 mm और जो कि लिफ्ट जो कि होता है 25 से लेकर 40 mm, शेयर वॉल में ये होगा 50 mm। ओके यहाँ पर कवर होगा इसमें यहाँ पर ये, और यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो कि डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स सीमेंट की होगी 1440 kg/m³। ओके kg/m³ में यहाँ पर डेंसिटी इसकी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की निकालने के लिए यूज़ होता है। सैंड की होगी 1500 kg/m³ और एग्रीगेट की 1600 kg/m³। ओके वाटर की जो कि होगी 1000 kg नहीं L/m³। ओके kg/m³ L/m³ एंड PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट 2400 kg/m³ और जो कि RCC रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट 2500 kg/m³। This is the information about this. Okay. Grade of, okay, types of grade of concrete. इस तरह से M5 से लेके M50 तक, okay, इसमें यहाँ पर जो कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ और इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अचीवमेंट कितना होगा वो भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, और इसका कवर और डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर PCC एंड RCC।